नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब मैं ठीक हूँ और अब आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी। इतने दिन का गैप हुआ उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की एक धमाकेदार वीडियो। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखिए। तो पहला प्रश्न, विशेष टाइगर फोर्स का गठन किस राज्य ने किया? तो विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड से हमारी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न और निकलते हैं। कभी पूछता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। और अगर पूछ देता है फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो वो भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेफ सिटी इंडेक्स 2019 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है टोक्यो। अगर बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो वो आपका हो जाएगा सिंगापुर। और अगर भारत में पूछता है, तो भारत में आपका है 45 नंबर पे मुंबई, और दिल्ली का स्थान है 52। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इसी दिन हमारे हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो गए हैं जापान की यात्रा पर। अगर बात करते हैं जापान की कैपिटल की, तो वो हो जाएगी टोक्यो, और जापान के जो पीएम हैं वो हैं शिंजो आबे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 15 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने, और किसे हराकर जीता है? नेपाल को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1 से 7 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण सप्ताह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना संन्यास वापस लेने का फैसला लिया? तो ये आपके हैं अंबाती रायडू। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गूगल डूगल ने किस कवित्री को सम्मानित किया है? तो ये हैं अमृता प्रीतम। अब देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि हमारा जो ये परिवार है गुरुजी स्टडी पॉइंट का, ये और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसके साथ। तो अब देखते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, लॉ अल्ट्रा द हाई मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं आशीष कासोडकर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में। उम्मीद है आप लोगों ने साथ ही साथ लिखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अभी आपको सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है।